अध्यक्ष जी वो ANI की एक सीनियर एडिटर है, महिला पत्रकार है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से 1.5 घंटे के भाषण में देश और दुनिया से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन लेकिन उस कंफ्यूज्ड नेता को इतना दर्द हुआ कि उन्होंने शायद एक महिला का इंटरव्यू पहले नहीं देखा जिससे इंटरव्यू में पूछा गया, आपकी अपनी सास के साथ संबंध कैसे थे, खाने में क्या खाती थी, किस तरह से दिनचर्या होती थी, जिनसे सवाल पूछे जाते थे, अरे भैया समोसा कैसा लगा, समोसा अच्छा था। शायद वो ऐसे इंटरव्यूज को भूल गए। क्या वो चाहते थे कि स्मिता प्रकाश जी भी, वो महिला पत्रकार, उन बाकी पत्रकारों की तरह उनकी इच्छा होगी जो उन्होंने सवाल पूछे होंगे पहले के लोगों ने कि आपको कौन सी साड़ी पहननी पसंद है या आपके अपनी सास के साथ क्या संबंध थे। लेकिन अध्यक्ष जी क्या ये चाहते हैं कि वो मोदी जी से ये पूछते कि वो मोदी जी से पूछते कि मोदी जी आपके अपनी माता जी से संबंध कैसे हैं, आज सुबह नाश्ते में क्या खाया, क्या ऐसे सवाल पूछने चाहिए थे। उन्होंने सारे सवाल पूछे जो देश हित में थे और जो देश से संबंध रखते थे। और मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री जी को, उस 1.5 घंटे में प्रधानमंत्री जी ने सब विषयों का उत्तर दिया और भारत सही दिशा में चल रहे इस बात को भी कहा। अध्यक्ष जी कन्फ्यूजन उस नेता की इतनी थी कि 20 मिनट बोले और 20 मिनट में 20 झूठ बोलकर चले गए।